दोस्तों आज के ये वीडियो में जानेंगे नए मोबाइल में पुराने इंस्टाग्राम आईडी को कैसे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड पता हो फिर भी लॉगिन कर सकते हो, अगर पासवर्ड पता नहीं है फिर भी लॉगिन कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नए मोबाइल में पुराने इंस्टाग्राम आईडी को कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा। तो दोस्तों देखिए मैंने अभी मेरा फ़ोन में इंस्टाग्राम ऐप को डाउनलोड कर लिया है। तो डाउनलोड कर लेने के बाद अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना होगा। तो दोस्तों देखिए मेरा फ़ोन में इंस्टाग्राम ऐप पूरा डाउनलोड हो चुका है, तो अभी मैं इसको ओपन कर लूँगा। तो ओपन कर लेने के बाद आपके सामने ऐसा शो होगा, यहाँ से अब आपको कंटिन्यू करना होगा। अब आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, एक यूज़र नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर और दूसरा पासवर्ड। तो अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या फिर यूज़र नंबर नाम भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपना जो फ़ोन नंबर है उसको डाल दूंगा। तो फ़ोन नंबर डालने के बाद अगर पासवर्ड पता है तो पासवर्ड डाल के आप सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर दो, अपना जो इंस्टाग्राम आईडी है लॉगिन हो जाएगा। तो हमें पासवर्ड पता नहीं है इसीलिए फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक किया। अब आपके सामने ऐसा शो होगा, यहाँ से आप सेव भी कर सकते हो, नॉट नाउ भी कर सकते हो। तो यहाँ से अब आपको सिंपली अलाउ पर क्लिक कर देना होगा। तो देखिए मैंने अभी सिंपली यहाँ से अलाउ कर देता हूँ, तो आपको भी अलाउ करना होगा। तो यहाँ से दोबारा भी आपका जो फ़ोन नंबर है यहाँ पर डालना होगा। आप यूज़र नेम भी डाल सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल दूँगा, तो फ़ोन नंबर डालते ही बेहतर होगा आपको। तो देखिए फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ से आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो कंटिन्यू पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर तीन ऑप्शन आएगा। तो सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन आया है गेट कोड और लिंक दिया SMS, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो देखिए मैंने अभी इसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो सेलेक्ट कर लेने के बाद कंटिन्यू करना होगा। तो कंटिन्यू कर लेने के बाद आपके फ़ोन में एक OTP आएगा या फिर एक मैसेज आएगा। तो देखिए मेरा फ़ोन में अभी भी कोई भी मैसेज नहीं आया, इसीलिए मैं अभी मेरा जो मैसेज बॉक्स है उसको ओपन कर लूँगा। क्योंकि दोस्तों ये नया फ़ोन है इसमें कुछ परमिशन देना पड़ता है। तो देखिए प्रेस करके ऐप इन्फो पर जाना पड़ेगा और यहाँ से परमिशन सबको अलाउ कर देना होगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर सब कुछ अलाउ है। तो देखिए मैं मैसेज को डोंट अलाउ करके फिर से अलाउ कर दूँगा। तो आपको भी ऐसे अलाउ कर देना होगा। तो अलाउ कर देने के बाद आपको सिंपली यहाँ से फिर से अपना इंस्टाग्राम को आना होगा। तो देखिए मैंने अभी दोबारा इंस्टाग्राम पे आया है, तो दोबारा यहाँ से कंटिन्यू कर दूंगा नीचे वाले को सिलेक्ट करके। तो देखिए मैंने दोबारा कंटिन्यू कर लेने के बाद भी कोई भी मैसेज नहीं आया। तो अब आपको सिंपली यह देखिए जो मिडिल वाला ऑप्शन है कन्फर्म बिया फ़ोन कॉल, तो अब आपको सिंपली इसको सेलेक्ट करना होगा, फिर से कंटिन्यू करना होगा। तो कंटिन्यू करने के बाद देखिए आपका जो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा कंटिन्यू करना होगा, यहाँ से अलाउ करना होगा। तो यहाँ पर अपना जो इंस्टाग्राम आईडी है वो शो होगा। तो अब आपको सिंपली यहाँ से देखिए मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है तो ढूंढ ले रहा है। तो यहाँ से अब आपको सिंपली सेव पर क्लिक कर देना होगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम के प्रोफाइल शो हो रही है, तो यहाँ से अब आपको सिंपली सेव पर क्लिक कर देना होगा। देखिए सेव पर क्लिक करते ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन हो गया है। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आया है क्रिएट ए न्यू पासवर्ड, तो यहाँ पर अपना जो नया पासवर्ड है वो बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो अभी आपको सिंपली यहाँ से अपना नया पासवर्ड को बना लेना होगा। तो देखिए मैंने फटाफट से मेरा जो नया पासवर्ड है मैं बना लूँगा, तो आपको भी अपना हिसाब से बना लेना है। तो पासवर्ड बनाने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ से कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो देखिए मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया और यहाँ से आपको अलाउ करना होगा। तो अलाउ करते ही देखिए आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप नए फ़ोन में पुराने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं।